नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आरटीआई का भुगतान न होने व अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने से नाराज प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने किया शिक्षा विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन। दरअसल आरटीआई के तहत गरीब वंचित वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाई जाती है, जिसके एवज में निजी स्कूलों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। लेकिन विगत लंबे अरसे से निजी स्कूलों को भुगतान नहीं किया गया और जब इस बाबत स्कूल संचालकों द्वारा जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनके साथ अभद्रता की गई। इस पर आक्रोश जताते हुए जिले भर के लगभग 170 निजी विद्यालय संचालकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर उनके पक्ष में कार्रवाई की मांग की गई। इस बाबत सोफास के प्रदेश अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया। धरना इस बात का है कि सर कल एक डीपीसी महोदय के सिग्नेचर से एक आदेश निकला, जिसमें कहा गया कि पुनः बायोमेट्रिक हम करवा चुके हैं और उसका फिर से सत्यापन करवाया जाएगा नोडल द्वारा, जो कि पूर्णतः सरासर गलत है। और हमने जब निवेदन किया कि ये आदेश गलत निकल रहा है तो एपीसी रिंकी वर्मा मैम से अभद्रता की गई। इस कारण यह सब संचालक बड़े गुस्से में हैं। और आज हमने जब माननीय आनंद जी शर्मा से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया अभी शाम को 4 बजे तक पैसा निकल जाएगा, कलेक्टर साहब से साइन हो चुका है। हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले, लेकिन ये जो अभद्रता हुई थी इसी के कारण हम सब रोष में थे और वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। हम कल फिर आएंगे। मानी नहीं गई तो आप ईंट से ईंट बच जाएगी, क्योंकि ये अंतिम समय इनको दिया गया है। इतना सहन नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार झूठ बोलना और धमकाना ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। कौन यहाँ पर? हम लोग लगभग पूरे जिले भर से अभी 170 लोग आ चुके हैं और कोशिश हमारी होगी कि अगला अगर ऐसा कार्य न हो, अगर होगा तो हम 1000 लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन को जंगी प्रदर्शन बनाएंगे। सोशल मीडिया पर बने दोस्तों से मिलने लापता हुई थी लोटी स्कूल की 4 छात्राएं, पुलिस ने मशक्कत कर ढूंढ निकाला। नीलगंगा थाना क्षेत्र के लोकमान्य तिलक स्कूल से बुधवार शाम 4 लड़कियां लापता हो गई, जिन्हें नीलगंगा थाना पुलिस ने ढूंढ निकाला है। सूचना मिली थी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों की दोस्ती लड़कों से हुई थी। लड़कियां स्कूल से एग्जाम देने के दौरान फरार हो गईं और अपने मित्रों से मिलने बिगिना चली गईं। हालांकि पुलिस ने मोबाइल के माध्यम से एक युवक को हिरासत में लिया और लड़कियों को ढूंढ निकाला। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से लड़कियों की कुछ लड़कों से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद लड़कों से मिलने के लिए लड़कियां एग्जाम छोड़कर स्कूल से फरार हो गईं। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने टीमें बनाकर लड़कियों को ढूंढ निकाला। ये 4 बच्चियां थी जो लोटी स्कूल में पढ़ती थी, सेम कक्षा की थी, 14 वर्ष इनकी उम्र थी। तो कल इनके परिजनों का कहना था कि ये परीक्षा देने के लिए उन्होंने उन्हें स्कूल में छोड़ा, लेकिन उसके पश्चात वो घर नहीं लौटी। तो काफ़ी समय खुद से तलाश करने के बाद वो पुलिस थाने पे आए और थाने पे जब हमने रिपोर्ट कायम करी, इसमें 363 का मामला कायम किया। फिर क्योंकि मामला बहुत गंभीर था तो हमने दो टीमों का निर्माण किया। एक टीम टेक्निकल एनालिसिस कर रही थी पूरे प्रकरण का, दूसरी टीम फील्ड पे थी, जो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस अगर इनपुट मिलता था तो उस पर कार्रवाई करने के लिए। फिर उसके बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, उसके बाद हमको पता चला कि बच्चियां घर पे इंस्टाग्राम यूज़ करती थी, जो घर के अंदर मोबाइल रहता था, तो उससे कारण वो कुछ लड़कों के संपर्क में आई। और उन लड़कों के संपर्क में आने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो उनसे मिलने ही गई हैं। इस संदर्भ में हमने एक व्यक्ति को उज्जैन से हिरासत में लिया, उसने इस चीज़ का बताया कि बच्चियाँ कहाँ गई हैं। तो उसके बाद हमें पता चला कि बच्चियाँ बिना पहुँचने वाली हैं किसी लड़के से मिलने, तो वहाँ पे भी हमने उस व्यक्ति को राउंड अप किया, उससे पूछताछ करी, तो उसका कहना था कि वो उनसे बिना मिलने ज़रूर आई थी, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली के लिए चली गई। उसके पश्चात हमने और टेक्निकल एनालिसिस किए, उसके पश्चात हमको पता चला कि 2 बच्चियाँ जो हैं वो मालवा एक्सप्रेस से उज्जैन की तरफ आ रही हैं। तो हमने उन्हें अकोदा स्टेशन पुलिस स्टेशन पर उनको इंटरसेप्ट किया और उनके बाद उनको दस्तयाब किया, अब उनको लेके आ रहे हैं। फिर उनसे पूछताछ के दौरान रास्ते में हमको 2 और वाइटल क्लूज मिले 2 और बच्चियों के बारे में, तो उनका झांसी के आसपास उनका होना हमें पता चला। तो हमने निवाड़ी पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उनको वहाँ पे दस्तयाब किया है और हमारी टीम अब उनको और जो लोग आरोपी हैं और जो उनके संपर्क में थे बच्चे लड़के, उनको लेके आ रहे हैं। सुअर पकड़ने की बात को लेकर चल रहे 2 गुटों के विवाद पर एक युवक को चलती बाइक पर मारी गोली।
दोपहर 2 बजे पवासा थाने के अंतर्गत आने वाले MR5 ब्रिज के नीचे नीरू संगत पिता लक्ष्मी नारायण उम्र 23 वर्ष निवासी वाल्मीकि नगर को शुभम नामक युवक ने गोली मार दी। शुभम ने नीरू को पैर में गोली मारी जिससे वह गंभीर घायल हो गया। वहीं दोस्तों ने बताया सनी नामक युवक गाड़ी चला रहा था। गोली मारने वाला शुभम पंचमपुरा का निवासी बताया जा रहा है। वहीं विवाद का कारण सुअर पकड़ना सामने आ रहा है। गंभीर घायल होने पर परिजन नीरू को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर घायल होने से परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। घटना के बाबत नीरू संगत के दोस्त राहुल ने बताया, नीरू संगत को गोली लगी है, पिता लक्ष्मी नारायण गोली मारी है शुभम ने, और सन्नी गाड़ी चला रहा था और एक जना उसके पीछे बैठा था और एक गाड़ी पे 2 जने और थे, टोटल 5 जने थे। और ये सोमवार को लेके विवाद था, पहले 2-4 दिन पहले भी घटना हुई थी। आज किस बात पर हुए? आज उस बात पे ये कि हमारे जानवर पकड़ रहे थे। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? ये इनकी तो नौकरी है, इनका सोमवार का धंधा भी बड़ा भैया का। ये पवासा ब्रिज के नीचे की साइड मारने वाले कौन लोग हैं? मारने वाला शुभम है, सन्नी गाड़ी चला रहा था, एक जना उसके पीछे बैठा हुआ था और 2 जने और गाड़ी से थे और चलती गाड़ी पे पास में आके गोली मारी उनने। हाँ, मोटरसाइकिल। महाकाल थाना क्षेत्र के आदतन बदमाशों ने किया 2 युवकों पर चाकुओं से हमला। महाकाल थाना क्षेत्र में जयसिंहपुरा भैरव मंदिर के पास करीब आधा दर्जन युवकों ने चाकू से हमला कर 2 युवकों को गंभीर घायल कर दिया। हमले में संजय भाट पिता धर्मेंद्र भाट उम्र 20 वर्ष व आशीष पिता गोवर्धन भाट उम्र 26 वर्ष गंभीर घायल हो गए। घायल हुए संजय व आशीष ने बताया कि लोकेश रितेश और अरुण माली सहित करीब आधा दर्जन युवकों ने हमला किया और घायलों ने बताया कि चाकू मारने वाले बदमाशों के खिलाफ महाकाल थाने में गुंडागर्दी, मारपीट, जानलेवा हमला और हफ्ता वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके पुलिस उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। फिलहाल दोनों घायलों को परिजनों ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है, जहाँ दोनों का उपचार जारी है। ये सब आए दिन ये करते लूट मारी, छीना छपटी, हफ्ता वसूली करते हैं साहब। ये कहाँ पे मारा चाकू भैया? ये भीरू महाराज चौराहे पे। भाई तब ये हुआ था, कुछ दर्शनार्थी आए हुए थे और ये वहाँ पर इज्जत वर्रा लोकेश वर्रा और ये 4 लोग थे, तो ये क्या करते लोगों तो पैदल छोड़ा था। उन्हें दर्शनार्थियों से 20 रुपये लगते वहाँ से जाने के लिए और उन्होंने वहाँ से 300 रुपये छोड़ा था। हमारे भैया ने बोला, वो मेरा भैया मेरे चाचा का लड़का है, उसने बोला कि बोले पैसे क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि तुम बोलोगे तो बोले तुम्हारे को मारेंगे। वो इससे विषय हो गया, भैया को मार दिया, मेरे को मार दिया और इससे सारी माता पड़ी हो गई। ये 4 लोग हैं और इनका काम ही यही है। मुख्यमंत्री के आदेश से लगाए जा रहे जन सेवा केंद्रों से नदारद रहते हैं विभागीय अधिकारी कर्मचारी, हितग्राही लौट रहे हैं खाली हाथ। ये नजारा है वार्ड क्रमांक 6 के मोहन नगर शासकीय माध्यमिक विद्यालय का, जहां प्रत्येक वार्ड की तरह हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से अवगत कराने के लिए जनसेवा केंद्र बनाया गया। 10:30 बजे शुरू होने वाले केंद्र में लगभग 12 बजे तक संबंधित विभागीय कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी थी। MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी द्वारा यहां पंचनामा बनाया गया, जिसमें नगरीय विकास, आवास, सामाजिक न्याय, खाद्य विभाग, वित्तीय बैंक एवं क्रमांक 2 जोन के कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे और वहां जानकारी लेने आए हितग्राही खाली हाथ लौट रहे थे। प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशानुसार सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज वार्ड क्रमांक 6 के मोहन नगर सरकारी स्कूल में भी शिविर का आयोजन है। 10:30 बजे से शिविर प्रारंभ होना था, लेकिन अभी 12:45 बजने आई है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस शिविर में उपस्थित नहीं है, ना ही जिम्मेदार कर्मचारी उपस्थित है। मैं खुद यहाँ पे मुझे बिना सूचना के मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी कोई अधिकृत सूचना नहीं थी। मैंने यहाँ पर आकर देखने पे पता चला है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो सरकार की मंशाओं का लाभ आम लोगों को प्राप्त हो सके उसकी चिंता कर रहा है, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हो या अन्य विभाग अधिकारी हो, ये कोई भी उपस्थित नहीं है। और मेरे सामने कई हितग्राही विचार हैं यहाँ पर वापस पलट के गए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि सरकार की और मुख्यमंत्री जी की मंशा को पलिता लगा रहा है, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ एक आम व्यक्ति को दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरोध कार्य हो सके। और आज वार्ड नंबर 6 में जो अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है वो आपके सामने।
छात्रों के विवाद में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया करनी सेना ने साइबर सेल व क्राइम ब्रांच पर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए करनी सेना के विश्वजीत सिंह राठौर ने बताया कि माधव विज्ञान महाविद्यालय में दो गुटों के मध्य हुए विवाद के बाद क्राइम ब्रांच व साइबर सेल के कपिल राठौर द्वारा भेदभावपूर्ण कार्यवाही करते हुए निर्दोष छात्रों को भी हिरासत में ले लिया गया और वहां खड़े करनी सेना के सदस्यों को अश्लील गालियां दी गई। जब छात्र क्राइम ब्रांच कार्यालय माधवनगर पहुंचे तो यहां भी उनके साथ वही रवैया दोहराते हुए जीवन खराब करने की धमकी दी गई। श्री राजपूत करनी सेना ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। माधव विज्ञान महाविद्यालय में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम वहां पर पहुंची थी तो कुछ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो आए थे। वहाँ पर जानकारी मिली है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन दो तीन निर्दोष लोगों को वहाँ से उठा के लाया गया जबरदस्ती और इस चीज़ को मतलब एक पर्सनल लड़ाई को पुलिस की वर्दी के आड़ में मतलब उन लोगों को लाया गया और इस चीज़ को मतलब उनको बिठाया गया यहाँ पर, जबकि उन दोनों की कोई गलती थी नहीं। इसके बाद में जब जो साइड में बच्चे खड़े थे कॉलेज के उनको बोला गया कि आप, और इसके बाद में संगठन को श्री राष्ट्रीय करनी सेना के संगठन के जितने पदाधिकारी वहाँ खड़े थे साइड से जो देख रहे थे कि कोई कार्रवाई चल रही है, उनको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पलट कर कपिल राठौर उनके साथियों द्वारा गाली दी गई कि आप आ जाना माधवनगर देख लेंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हम फिर वहाँ से यहाँ पर आए कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए, जो दोषी उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने जब हम लोग बात करने के लिए साइबर सेल की टीम और इन लोगों से क्राइम ब्रांच से बात करने के लिए आए हमारे पदाधिकारी हम लोग, तो हमसे भी गाली गलौज की गई और धक्के मार के बाहर निकाला गया और बोला गया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लेना। ये अपने जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है ना पीछे की साइड, ये यहीं से हम लोगों को बाहर निकाला गया और बोला कि आपसे जो बना वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आए दिन ये व्यक्ति आज से एक साल पहले भी बिना किसी कंप्लेन के एक करनी सेना के कार्यकर्ता को जबरदस्ती यहाँ पर उठा के लाए थे, जबकि लड़ाई दूसरे संगठनों की हुई थी, लेकिन आपसी लड़ाई को यहाँ पर मजा लगते हुए यहाँ पर थाने के अंदर लेके आते हैं लोगों को। अच्छा, आपके जो साथी हैं दो लोग, उनको कौन से दो लोगों को गिरफ्तार किया? दो छात्र थे कॉलेज के जिन्होंने गिरफ्तार किया था, लेकिन उनका विपिन और मुन्ना। सामाजिक न्याय परिसर व कार्तिक मेला ग्राउंड के पटाखा व्यापारियों ने लॉटरी सिस्टम द्वारा खुद चुने खुद के दुकान के नंबर। इस वर्ष दीपावली पर्व पर स्थानीय सामाजिक न्याय परिसर एवं कार्तिक मेला ग्राउंड में 45 दुकानों का आवंटन किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर निगम कार्यालय में लॉटरी सिस्टम द्वारा दुकानों के नंबर आवंटित किए गए हैं। इसमें खास बात यह रही कि व्यापारियों ने लॉटरी से स्वयं अपनी पर्चियां निकालकर खुद के दुकान नंबर खुद को ही आवंटित किए। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक नीरज श्रीवास्तव ने बताया। आज यहाँ पर सामाजिक न्याय परिषद और कार्तिक मेला ग्राउंड की दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिसके अंदर 100 दुकानें सामाजिक न्याय परिषद में रहेगी और 45 दुकानें कार्तिक मेला ग्राउंड में रहेगी। इन दुकानों के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हमें जारी लाइसेंस की सूची मिली गई थी, उसके आधार पर यहाँ पर लॉटरी की कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर माननीय प्रभारी सदस्य हमारे योगेश्वरी राठौर मैडम, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी मैडम, रजत मेहता जी, उपायुक्त नीता जैन मैडम और पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अग्रवाल जी और ये उपस्थित थे, उनके समक्ष यहाँ पर लॉटरी कार्रवाई की जा रही है और जहाँ पर दुकान को की लॉटरी से आवंटन होगा उन्हें दुकान में लगाने की अनुमति मिलेगी। बड़नगर के 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु, पुलिस ने मर्ग कायम कर करवाया पोस्टमार्टम। बड़नगर निवासी 19 वर्षीय सुजल पिता दिनेश प्रजापत को स्वास्थ्य खराब होने पर बड़नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति न संभलने पर उज्जैन के निजी अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। थाना नीलगंगा पुलिस ने संदिग्ध मौत मानते हुए मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाबत मृतक के काका श्याम प्रजापत ने बताया। सर, ये कल घर पे ही था और अचानक इसकी तबीयत वगैरह से लग रही थी हमारे को, हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पता चला इसका कि इसने ससा खा लिया, इसने एडमिट करा है, वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि उज्जैन ले जाइए इसको, तो हमने CHL में करा था, इसमें अपने संजीव भाई क्या नाम इसका अवंतिका में, फिर अवंतिका से मैं रात को इसकी लेट हो गई, डेट 3:50 पर रात को। घर के सामने शराब पी रहे बदमाश को मना करने पर पिता पुत्र पर चाकू से किया बदमाश ने हमला। हीरा मिल की चाल निवासी बबलू पिता अमरचंद्र के घर के बाहर आकाश पिता दिलीप शराब पी रहा था, तब बबलू ने उसे घर के सामने शराब पीने से मना किया तो बदमाश आकाश ने बबलू और उसके पुत्र संजय पर चाकू से वार कर दिया। बबलू को हाथ में ज्यादा चोट आने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सर, मैं चाल में जा रहा था रोटी खा के और ये गाड़ी पर दारू पी रहा था,
मैंने उसको बोला भाई गाड़ी दारू मत पी, उधर पी ले यहाँ जाके क्या तेरे से बने जो कर ले बोले। वो ये लाया चाकू, चाकू मार दिया उसने मेरे को आते ही, मेरे बालक को ही मार दिया। ये दिलीप पिता का कहाँ पे मारा चाकू? हीरा मिल की चाल में हनुमान जी के मंदिर के वहाँ पर ब्रिज के नीचे। क्या करता है वो? वो उसका बाप करता है उद्योगपुरी में काम, वो छोरा आवारा घूमता था, दादागिरी करा करता है वो। नगर निगम द्वारा संचालित कपिला गौशाला में निर्दयता से हो रही है गायों की मृत्यु, एमआईसी सदस्यों ने किया निरीक्षण। हमेशा चर्चा में रहने वाले नगर निगम द्वारा संचालित कपिला गौशाला फिर सुर्खियों में है। यहाँ भूख के कारण लगातार गौ माताओं की मौत हो रही है और जो जीवित हैं वे भी दयनीय अवस्था में हैं। इसकी सूचना मिलने पर निगम एमआईसी सदस्यों ने यहाँ अवलोकन किया। इस बाबत एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी और रजत मेहता ने बताया। शाम को एक वीडियो यहाँ पे मेरे पास आया था, उसमें बताया था कि कपिला गौशाला में बहुत निर्दयी तरीके से गाय की मौत हो रही है। कल मैंने माननीय महापौर जी को संज्ञान में विषय लाया था। मैं माननीय रजत मेहता जी जो हमारे एमआईसी के सदस्य हैं, विजय कुशवाहा जी के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं, और वीडियो में जो सत्यता दिखी थी वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिखी है। आज भी 5 गाय मृत पाई गई हैं और लगभग 5-6 गाय की स्थिति है कि जो मंडासन स्थिति में है। माननीय महापौर जी लगभग एक माह पूर्व निरीक्षण करने आए थे, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उस पर भी कोई पालन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ध्यान में आ रहा है कि अगर माननीय महापौर जी के निर्देशों का संबंधित लोग पालन कर लेते या उस दिन जिनकी कमी दिखी थी अगर उस पर कार्रवाई कर देते तो आज कई गाय की अकाल मौत नहीं होती। दूसरी बात यह कि इस गौशाला जो कि बहुत अच्छी गौशाला है, इसमें हम आसपास के लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं और इसका अच्छा कैसे संचालन कर सकते हैं, उसके लिए अभी हमारे श्रीमती नीता जैन जी भी आई हुई हैं, वो भी कई बातों से सहमत हैं। गाय की हत्या का पाप हम पे लग रहा है, स्वीकार करने में गलत नहीं है, पर जो भी दोषी उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये गौशाला सब मिल के कितनी अच्छी चला सकते हैं और गायों का हम संरक्षण कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम माननीय महापौर से चर्चा की योजना बना रहे हैं। लगातार हम यहाँ पे आने का प्रयास कर रहे हैं और अगले 7 दिनों में हमने एक लक्ष्य भी बनाया है कि पीछे का एक पूरा जो पोर्शन बड़ा है वहाँ पे खुद की यहाँ पे चरी उगाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हमको ठेकेदार के भरोसे भी नहीं रहना पड़े और गौ माता को भूखा सोना भी ना पड़े। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।